सरकार के शिक्षकों के प्रति दमनात्मक मानदंड का हम शिक्षक मजबूती से जवाब देंगे। यह बातें सारण जिला नियोजित शिक्षक संघ के परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा नित्य अपनाए जा रहे कठोर एवं दमनात्मक मानदंड पर हम शिक्षक मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने के सरकार के आदेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि न्याय है कि शिक्षक ने 10 से 12 वर्ष आपके यहाँ काम किया और आप उसे सेवा मुक्त कर दीजिएगा, ये कहाँ जाएंगे। आप इस आदेश को वापस लेने तथा शिक्षकों को मौका देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप विगत चुनाव पराजित होने का दुष्परिणाम का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। हम बिहार के 4.5 लाख शिक्षक पुनः सड़क से सदन तक आंदोलन पर उतारू होंगे। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक कम वेतन पर काम करते हैं। सरकार से शिक्षकों के सभी तरह के एरियर का भुगतान अविलंब करने की मांग की है। डेल टीवी के लिए छपरा से जमीरुद्दीन राज की रिपोर्ट। आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शिक्षकों की आवाज को, समाज के कमजोरों की आवाज को मजबूती से सुनाते हैं, दिखाने का काम करते हैं। दूसरी तरफ मैं अप्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार की यह हठधर्मिता है। सरकार बिना सोचे समझे आनंद फानंद में चुनाव में मात खाई हुई सरकार निश्चित रूप से शिक्षकों के प्रति उदासीन भाव, उदासीन रवैया अपना रही है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कहाँ का नियम है? आप एक बार जो शिक्षक परीक्षा दिए किसी कारणवश अप्रशिक्षित हो गए हैं तो आप कैसे उनको हटा दीजिएगा? आपको उनको दोबारा चांस देना चाहिए। अगर दोबारा उनमें कोई सुधार नहीं होता है, वो परीक्षा प्रकाशित जो है कि पास नहीं करते हैं, तब उस पर कोई कार्रवाई कीजिए। और मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप माननीय न्यायालय के शरण में जाएं। न्यायालय सर्वोपरि है और न्यायालय से हम लोग को निश्चित रूप से राहत मिलेगा और सरकार इस पत्र को अविलंब वापस ले। नियोजित शिक्षकों के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।